वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास टेंथ का बायोलॉजी शुरू कराने वाली हूँ, यानी कि अब तक हम लोगों ने क्लास नाइन्थ के अप्रॉक्स दो चैप्टर्स कर लिए हैं। सो मैंने सोचा कि टेंथ का भी साइड बाय साइड हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, ताकि किसी भी क्लास के बच्चों को कोई लॉस ना हो, ठीक है। सो आज हम लोग डील करने वाले हैं क्लास टेंथ बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग मतलब आगे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आज के लेक्चर में जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है हमारा लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस एग्जैक्टली होता क्या है, सो लाइफ प्रोसेसेस वो एक ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि हमारी हमें ज़िंदा रखने के लिए एसेंशियल होते हैं, ठीक है। सो प्रोसेसेस दोज आर एसेंशियल फॉर वंस लाइफ इज़ नोन एज लाइफ प्रोसेस। इसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया आपका, एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द डेफिनेशन, सो लाइफ प्रोसेसेस आर एसेंशियल, ओके, दोज प्रोसेस which are what they are essential essential for life, ठीक है, are known as life process, ठीक है। कितने कितने मतलब कौन से जो मेन टाइप के लाइफ प्रोसेस हैं जिसके बारे में आप लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। सो सबसे पहले आता है आपका एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, ऐसे कौन से प्रोसेस हैं जिसे हम लोग लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड करते हैं। न्यूट्रिशन, ठीक है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले है हमारा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, कुछ ऐसे सब्सटेंस या फिर कोई एक ऐसा प्रोसेस जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट इज योर रेस्पिरेशन, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जो आपको जो आपकी पूरी बॉडी में रेस्पिरेशन या फिर गैसेस एक्सचेंज कराने वाला है। एंड उसके बाद आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन, देखो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, कोई भी अगर आपको सब्सटेंस को अपनी पूरी बॉडी में रोटेट करवाना है, मूव करवाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करेगा, ठीक है। और एक जो लास्ट प्रोसेस बच जाता है वो है आपका एक्सक्रीशन, ओके। आई होप आपको जो है लाइफ प्रोसेस का समझ में आ गया होगा, ठीक है। लाइफ प्रोसेस वो हर एक ऐसा प्रोसेस जो आपको ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है, उसे हम लोग लाइफ प्रोसेसेस में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस को हम लोग बेसिकली जो हमारा मेन मोटिव है पढ़ने का, इफेक्ट एक क्राइटेरिया, हम उसे चार लेवल में डिवाइड करते हैं, ठीक है, हर एक ऑर्गेनिजम्स के लिए। देखो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, यहाँ पे हम लोग बात करें खाने की, यहाँ पे सांस लेने की, यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस को इधर से उधर मूव करवाने की हमारी बॉडी से, और एक्सक्रीशन में जो भी वेस्ट सब्सटेंस है उसे हमारी बॉडी से निकालने की, ठीक है। एक बार फटाफट से ये चीज़ें लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ न्यूट्रिशन के बारे में फुल डिटेल। सबसे पहले हम एक ऐसे लाइफ प्रोसेस की बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के बेसिस पे जो आपके बच्चों के लाइफ प्रोसेस है उनका होना, उनकी एग्जिस्टेंस जो है पता चलती है। सो हम लोग बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की, ठीक है। आप इस बात को समझ लीजिए कि कोई भी लाइफ प्रोसेस अगर एक भी मिसिंग हो जाता है तो जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा एक मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंच जाती है, जहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं हर एक का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप फूड का इंटेक करते हो, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होगी, तो वो होने वाली है प्रोक्यूमेंट ऑफ फूड इज न्यूट्रिशन, ठीक है। बहुत छोटी सी तीन वर्ड की डेफिनेशन है, ठीक है। सो प्रोक्यूमेंट ऑफ
न्यूट्रिशन। ठीक है, इसका मतलब फूड का इंटेक ही क्या है, हमारा न्यूट्रिशन है। अब जो हमारा न्यूट्रिशन है वो बेसिकली जो है हम लोग उसे डिवाइड करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे। ठीक है, सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम हमारे न्यूट्रिशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हमारा हेटरोट्रॉपिक। सबसे पहले क्या आता है, ऑटोट्रॉपिक। और दूसरा क्या है हमारा, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, सो देखो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो ऑटोट्रॉपिक, ऑटो का मतलब क्या होता है, खुद से। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब ये हुआ कि वो एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिस्ट जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, और हेटरोट्रॉपिक में कौन से आते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो किसी और पे डिपेंड होते हैं अपने फूड की इनटेक के लिए, यानी कि अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ठीक है, सो ठीक है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम लोग ऑटोट्रॉपिक वाले उसमें जो है इंक्लूड करते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे आपके पास, प्लांट, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया, ठीक है। अब हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या मतलब है इनका, कि दे आर नॉट गोइंग टू मेक देयर फूड बाय देयर ओन, यानी कि वो जो है किसी और पे डिपेंड होने वाले हैं खाने के लिए। दे डिपेंड, ऑन अदर्स फॉर फूड। ठीक है, एग्जांपल्स एनिमल्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फटाफट से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पहले मैंने आपको एक रफ ओवरव्यू डेफिनेशन दी थी। ठीक है, सो उस डेफिनेशन से आपको इतना पता चल गया है कि जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, सो अगर हम लोग बात करें उस ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स की क्या डेफिनेशन होती है, ऑर्गेनिजम्स डैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, आपको ये जो वर्ड है इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ऑटोट्रॉप्स होते हैं वैसे ही हेटरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, सो अगर मैं बोलूँ कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑटोट्रॉप्स, ऑर्गेनिजम्स डैट प्रिपेयर देयर ओन फूड, प्रिपेयर व्हाट, देयर ओन फूड। ठीक है, कौन से होते हैं ऑटोट्रॉप्स, सो जैसे जो हेटरोट्रॉपिक के एग्जांपल्स होंगे वही हमारे ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल्स होंगे, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स वही तो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करवाते हैं। ठीक है, सो एग्जांपल्स में आप लोग वही लिखने वाले हो, प्लांट्स। ठीक है, सो
प्लांट और सब बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरियाज नहीं होते हैं, सब कुछ ही बैक्टीरियाज होते हैं जो कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कराता है। अब देखो जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही प्रोसेस पढ़ना है, डैट इज योर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से या फिर जिसकी मदद से एक ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट या फिर बैक्टीरिया में से कोई एक ऑर्गेनिज्म जो है आपको फूड की प्रिपरेशन करके देने वाला है। ठीक है, सो हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम लोग बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। मैंने आपको बहुत बारी बोला है कि आप लोग जो हो बायो में अपने वर्ड्स को स्प्लिट करके उसके मतलब समझा करो। ठीक है, फोटो का क्या मतलब होता है, ये मत बोला मैम सेल्फी मैम पिक्चर, नहीं, फोटो का मतलब होता है यहाँ पे लाइट। एंड सिंथेसिस का मतलब आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, मैं ठीक है, और जिस किसी को नहीं पता तो उसका मतलब होता है बनाना। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग खाना बना रहे हैं, तो हम लोग इस वाले फोटो सिंथेसिस में हम यहाँ पे लिखेंगे टू कुक। ठीक है, इसका मतलब लाइट की जरूरत होगी खाना बनाने के लिए या फिर जो लाइट है वो खाना बनाने वाली है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, अभी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस का क्या होगा, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय प्लांट इज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा जो प्लांट है वो विद हेल्प ऑफ सनलाइट जो है आपका खाना बनाने वाला है। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड होते हैं उनकी लिस्ट हम लोग बनाएंगे। एक बार फटाफट पहले दोनों चीज़ें नोट कर लीजिए। सो आपको किस किस इंग्रेडिएंट की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले आपको चाहिए सनलाइट, जो कि नाम से डायरेक्ट पता चल रहा है फोटो से। ठीक है, फोटो मीन्स सनलाइट की रिक्वायरमेंट है आपको फोटोसिंथेसिस के लिए, सबसे पहला इंग्रेडिएंट। दूसरा है आपका क्लोरोफिल। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, उसका क्या रोल होता है। क्लोरोफिल के बाद आपको चाहिए होता है वाटर। ठीक है, H2O, याद रखना आपसे वाटर को मैं हमेशा H2O ही लिखेंगी। आई होप आप लोग अब 10th क्लास में हो गए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा डेट H2O मीन्स वाटर। ठीक है, उसके बाद आपको लास्ट की चीज की जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक बहुत ही अजीब सी कह सकते हो आप केमिस्ट्री, ठीक है, या फिर मिस्ट्री बोल सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड होती है प्लांट्स के केस में। आप वो क्या सांस लेते हैं, उनको क्या कोई मतलब ऑक्सीजन की फॉर्मेशन कराते हैं वो, सो ऑल दैट जो भी प्रोसेस है आप उसके बारे में आज इस चैप्टर के खत्म होते ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि जो प्लांट्स है वो कैसे ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं यानी और CO2 को अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग, मैम पता नहीं कौन से ट्रैक पे चले गई। ठीक है, चैप्टर के एंड की बात करने लगे, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में किस किस इंग्रेडिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सो मैंने भी आपको चार इंग्रेडिएंट्स बताए थे, फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कौन से थे। सबसे पहले आता है आपका सनलाइट, उसके बाद क्या चीज है ये आपको क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल के बाद व्हाट यू ऑल नीड इज वाटर H2O, जैसे क्या बोलते हैं वाटर, और आपको चाहिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। ठीक है,
सो देखो अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता क्या है एक्चुअली में आपको मैं एक भाई रफ ओवरव्यू देती हूँ उसके बाद विद हेल्प ऑफ डायग्राम हम लोग समझेंगे। देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, आपकी जो लीफ होती है वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जैसे ही जो आपकी लीफ है उसकी सर्फेस पर आपकी सनलाइट आके गिरती है तो हमारा केमिकल प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। हम लोग जो है वाटर का इंटेक करते हैं, कहाँ से करते हैं वाटर का इंटेक, प्लांट कहाँ से करता है, डेफिनेटली रूट से करते हैं। तो रूट से आया हुआ वाटर जो है वो लीव्स के अंदर जाता है, वहाँ पर फिर कार्बन डाइऑक्साइड आती है एंड देन बहुत रिएक्शंस होती हैं और एट लास्ट हमें जो है ग्लूकोज की फॉर्मेशन मिलती है प्लस ऑक्सीजन का एक्सपेल आउट होता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे प्लांट से बाहर चली जाती है, ठीक है। ये है हमारा फोटोसिंथेसिस का सीधा सीधा सा प्रोसेस। एक बार ये रिक्वायरमेंट जो है आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको विद हेल्प ऑफ अ प्रॉपर डायग्राम समझाने वाली हूँ कि जो फोटोसिंथेसिस होती है ये कैसे होती है, ठीक है। सो एक बार फटाफट से लिख लीजिए। देखिए हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस की सारी रिक्वायरमेंट्स देख ली, आप लोगों को एक बेसिक ओवरव्यू मिल चुका है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अब मैं आपको विद हेल्प ऑफ अ डायग्राम बताने वाली हूँ कि हाउ ये फोटोसिंथेसिस ये एक्ट कैसे करता है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं पूरा प्लांट ना बनाते हुए सिर्फ और सिर्फ हम लोग लीफ बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये हो गई हमारी लीफ। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि लीफ के अंदर जो है हमारा क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। सो देखिए लीफ के अंदर, लीफ का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको एक चीज ध्यान से देखनी है, वो होता है आपका गार्ड सेल, ठीक है। लीफ के पास बहुत सारे गार्ड सेल होते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। सो जो ये गार्ड सेल है इट इज गोइंग टू अलाउ, देखो ये क्या करने वाला है, जितना भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो उसका रॉ मटेरियल है, हमने देखा था जैसे सभी रॉ मटेरियल में होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, ठीक है, इसी एक और बना लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये एक और हमारा गार्ड सेल है, इस गार्ड सेल से क्या होगा, सपोज हम मान लेते हैं कुछ प्रोसेस हुआ है अंदर और उसके बाद हमारा बाय प्रोडक्ट निकल के आया है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन निकल के आया है। सो इस लीव को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। सॉइल है, सॉइल से जो है वाटर आएगा और हमारी लीफ के अंदर एंटर हो जाएगा हमारा वाटर। लीफ के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। अब हमें एक और चीज की रिक्वायरमेंट है, वो है हमारा सन सोर्स यानी कि सन। ठीक है, ये सन क्या करने वाला है, प्रोवाइड करेगा क्या, लाइट। सारी की सारी चीजें जो हमारे लीफ के ऊपर आ जाएंगी तो जो है हमारा फोटोसिंथेसिस का काम शुरू हो जाता है। ये सारी की सारी जितनी भी आप चीजें देख रहे हो, डेट इज कार्बन डाइऑक्साइड, हमने अभी पढ़ा था, और क्या चाहिए हमें, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल हमारे सेल के पास होता है, अंदर होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमारी लीफ के अंदर ही प्रेजेंट होता है। सो देखो जो ये क्लोरोफिल है ना, ये है हमारी सनलाइट को ट्रैप करने वाला है। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट अबाउट फोटोसिंथेसिस जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जो क्लोरोफिल लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है ये हमारी सनलाइट को ट्रैप करेगा। ट्रैप करने का क्या मतलब है, अपने ऊपर अट्रैक्ट करने वाला है और उसके बाद उसका काम शुरू होता है। सो सबसे पहले चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट बाय कौन कराता है, जो सभी बताया, क्लोरोफिल। ठीक है, पहला स्टेप तो ये हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, लाइट को हम लोग यानी कि लाइट एनर्जी को, हमारी लाइट एनर्जी है, हम इसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले हैं, यानी कि कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन ऑफ व्हाट, लाइट को हम लोग केमिकल्स में कन्वर्ट करेंगे इनटू केमिकल, और एट लास्ट जो आपका वाटर है ये वाला वाटर, इसकी होगी फोटोलिसिस, यानी कि वाटर की प्रेजेंट में हम लोग, सॉरी लाइट की प्रेजेंट में हम लोग हमारे वाटर को ब्रेक डाउन कर देंगे। थर्ड स्टेप क्या आएगा आपका, वाटर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये है आपके बेसिक से तीन स्टेप्स जिसमें आपका क्या होगा, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, मतलब देखो सनलाइट आएगी, जो लीफ के अंदर हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो हमारी सनलाइट को ट्रैप करेगा यानी कि इकट्ठा करने वाला है, उसके बाद
हमारा जो वाटर है उसकी होने वाली है फोटोलिसिस, और साथ ही साथ जो लाइट एनर्जी है उसे हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब फोटोसिंथेसिस की द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो आप आज पढ़ोगे, हो सकता है आप लोगों ने पहले स्मॉलर क्लासेस में भी पूरी बैलेंस्ड जो आपकी इक्वेशन होती है वो पढ़ी है, आज पढ़ने वाले हो और आने वाले कई सालों तक, यानी कि जब तक आप बॉटनी पढ़ने वाले हो तब तक आप लोग इस फोटोसिंथेसिस की जो ये इक्वेशन है उसे आप लोग पढ़ना जरूर है। ठीक है, तो आपको आज ही इस इक्वेशन को समझना है अच्छे से। तो देखो, पहले मैं आप लोगों को नॉर्मल इक्वेशन लिख के दिखाऊंगी और उसके बाद हम उस इक्वेशन को करने वाले हैं बैलेंस। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में यहाँ पे लिख रही हूँ। सो देखो क्या क्या चीज जो है एड ऑन हुई है, हमारा क्या हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुआ है और हमारा वाटर ऐड हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में हमने प्लस किया हमारा H2O। ठीक है, ये दोनों चीज ऐड होती है किस किस चीज की प्रेजेंस में, ये दोनों चीज हम लोग ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले लाइट जो कि सन से आ रहा है और दूसरा है हमारा क्लोरोफिल जो कि हमारे प्लांट के पास ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। सो लाइट होगी एक तो, और दूसरी क्या है हमारे पास क्लोरोफिल। ठीक है, अब क्या होगा फाइनली हमारा क्या बनने वाला है ग्लूकोज। ठीक है, C6H12O6 ये है हमारा ग्लूकोज, और एक और चीज जो बाय प्रोडक्ट में निकलेगी वो है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, प्लस O2। अब ये हो गई आपकी एक बेसिक से इक्वेशन, आपको इसे बैलेंस करना भी आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले काउंट कीजिए, यहाँ पे 6 कार्बन है। ठीक है, बट हमारे पास रिएक्टेंट साइड में सिर्फ एक ही कार्बन है, तो हम सबसे पहले इस कार्बन को बैलेंस कर देंगे। उसके बाद देखिए कितने ऑक्सीजन है 12, और यहाँ पे कितने हैं, बैलेंस कीजिए फटाफट से, 12 नहीं है ना, तो इसका मतलब हम लोग इस ऑक्सीजन को भी बैलेंस आउट करने वाले हैं। सो कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। उसके बाद हम इस H2O को भी जो क्या करने वाले हैं, हम इस H2O को भी बैलेंस करेंगे। सो यहाँ पे एक मोल है, दो मोल है हाइड्रोजन के और यहाँ पे 10 है, तो हम इसे यहाँ पे कर देंगे 10H2O। ठीक है, सॉरी आई एम सॉरी, इट्स 6H2O क्योंकि यहाँ पे दो है ना, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो 6H2O हो जाएगा। ठीक है, मतलब C6CO2 plus 6H2O in the presence of light and chlorophyll give us what? It is going to give us a glucose and 6 molecule of oxygen. So ये था आपका पूरा का पूरा photosynthesis का process. कितना easy process है photosynthesis का. ठीक है, I think कि आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसका डायग्राम याद होगा। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप क्लास 9th वाला मेरा लेक्चर जाके देख सकते हो, डिटेल में आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। बट एक बेसिक ओवरव्यू मैं आपको यहीं पे दे देती हूँ, यहाँ साइड में देखो हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये हमारे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो है आपकी बहुत सारे कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मतलब एक के ऊपर कॉइन रख देते ना, एक के ऊपर एक कॉइन। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और ये स्ट्रक्चर आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जो ये आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग ग्रेना। ठीक है, और जो ये लाइंस जो हमारे दोनों दो तीन ग्रेनास को आपस में जोड़ती हैं इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। और जितना भी पूरा सर्फेस है बच गया इसे क्या बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा, सॉरी ये जो सरफेस है इसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं, और इसे हम लोग जो लाइन है इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले। और जितना भी रेस्ट सरफेस बच गया ये क्या है आपका स्ट्रोमा। ठीक है, आई होप आपको यहां तक जो है सब कुछ समझ में आ रहा होगा, आ गया होगा। देखो फोटोसिंथेसिस की एक बेसिक आइडिया ये है कि सबसे पहले जो सनलाइट है वो ट्रैप होगी हमारे क्लोरोफिल की हेल्प से, उसके बाद होगा हमारा लाइट कन्वर्ट होने वाली है किसमें, केमिकल में। ठीक है, केमिकल यानी कि लाइट एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद जो हमारी फोटोलिसिस होगी किसकी, वाटर की, यानी कि विद हेल्प ऑफ सनलाइट हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है उसे हम उसे ब्रेक डाउन कर देंगे उसके स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स में।
में, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एक फटाफट से नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं ये कहाँ से आप लोगों को मिलते हैं, ठीक है। आई नो आप लोगों को पता होगा, बट लिखवाना मैम का फर्ज बनता है। रॉ मटेरियल है यानी कि आपका वाटर है, मिनरल्स है, लाइट है, क्लोरोफिल है, ये एग्जैक्टली प्लांट कहां से लाता है, ठीक है। प्लांट के पास खुद का सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल होता है, बाकी के बचे हुए इंग्रेडिएंट्स ये कहां से लेके आता है ताकि ये अपना पूरा का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट कर ले, यानी कि अपने लिए खाना बना ले, ठीक है। सो सबसे पहली चीज हम लोग बात करने वाले हैं वाटर की। वाटर कहां से आता है, ठीक है। वाटर कहाँ से आता है, वाटर आता है आपके सॉइल से, ठीक है। वाटर के साथ साथ आते हैं बहुत सारे मिनरल्स जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो वाटर प्लस मिनरल्स कहाँ से आएंगे आपके, दे आर गोइंग टू कम फ्रॉम सॉइल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज हो गई आपकी लाइट। लाइट की अल्टीमेट सोर्स आप सबको पता है क्या है, सन। उसके बाद व्हाट यू नीड, यू नीड क्लोरोफिल। ऑलरेडी कहां प्रेजेंट होता है, ऑलरेडी प्रेजेंट इन प्लांट्स। सिर्फ प्लांट लिखता है, शॉर्ट में लिखता है, ठीक है। प्रेजेंट इन प्लांट, प्रेजेंट इन प्लांट्स, ठीक है। और लास्ट चीज क्या बन जाएगी आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सीओ टू, सीओ टू क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कहां से आएगा, कहां प्रेजेंट होती है, जितनी भी अमाउंट ऑफ एयर है, कहां एयर में प्रेजेंट हो गया आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। सो इट इज गोइंग टू कम फ्रॉम एयर, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने सारा का सारा क्या कर लिया है, हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया है आज के लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कवर करने वाले हैं। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज समझ नहीं आती है तो एक बार वीडियो को रिज्यूम करके आप लोग दोबारा देख लेना उस पर्टिकुलर टॉपिक को, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ना, उसके बाद जो लेक्चर्स में मैंने आपको चीजें लिखी हैं बोर्ड पर उतना ही सफिशियंट है, आप वो जो है अपना नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। और जितने भी रिलेशन रिलेटिव्स में हैं आपके क्लास टेंथ में, उन सबको इसको शेयर कर देना उन सबके साथ, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक स्टे पॉजिटिव, कीप स्टडिंग हार्ड, कीप योर सेल्फ फिट एंड हेल्दी, एंड डू नॉट ट्रबल योर पेरेंट्स। और एक बात और, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।